हेलो गाइस, सो अपना एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होने वाली है आपकी 9th क्लास के अंदर मैथ्स में, ठीक है। तो 2.2 का एक एक क्वेश्चन आप 2.2 को ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। अपना सिस्टम यही चलेगा, कंसेप्ट बताए, एग्जांपल बताए, एक दिन, अगले दिन एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। छोटी एक्सरसाइज हुई तो बड़ी दो दिन लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है आपको, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है आपको 5x-4x² + 3। और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको x = 0 पे, फिर निकालना है आपको x = -1 पे, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालनी है इसकी वैल्यू x = 1 मिनट, हाँ जी। और थर्ड पोर्शन है x = 2 के ऊपर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू निकाल देंगे। तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम px मान लेते हैं। वाई px? बिकॉज एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। आपको x = 0 निकालना है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 रख देंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी p0 का आपको पढ़ने में आना चाहिए। p0 का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 0 पे, = 5 × 0, x था रख दिया, -4, ये 0 का स्क्वायर, और +3। तो 5 × 0 होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 0 आएगा, और +3, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 0 पे निकल गई आपकी 3, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू x = -1 पे निकालना है, तो p x की जगह पे -1 रख दिया, = 5 है, x की जगह पे -1 रख देंगे, -4, x की जगह पे -1 रख देंगे, इसका स्क्वायर, और +3। 5 × -1 होता है -5, -1 का स्क्वायर होता है +1, ध्यान देना, साइन की गड़बड़ नहीं करनी है। -1 का स्क्वायर होता है +1, और +1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा, और +3, तो ये हो जाएगा -5, -4 = -9, और +3 = -6। यानी बोल सकते हो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितनी आ रही है, -6 आ रही है। और x = 2 रखने पे तो रख दो, तो ये हो जाएगा p2, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 2, या वेरिएबल = 2, 5 x की जगह 2, -4 x की जगह 2 का स्क्वायर, +3, 5 × 2 = 10, 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 4 = 16, और माइनस ही रहेगा, और +3, देखो 10 और +3 13 हो रहे, 13 में 16 गया तो माइनस का 3 बचता है। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 रखने पर -3 आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक आप नोट कर लो इसको। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड p0, वही है, इसी से रिलेटेड है। आपको फाइंड करना है p0, ओके, आपको फाइंड करना है p1, और आपको फाइंड करना है p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। इसमें दिया हुआ है py = y²-y+1। फर्स्ट क्वेश्चन है py = y²-y+1, आपको इसमें p0 फाइंड करना है, आपको इसमें p1 फाइंड करना है, p2 फाइंड करना है। अगर मुझे p0 फाइंड करना है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ 0 रखना है, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 है, 0 को इफेक्ट नहीं आएगा, ओनली 1 बचेगा। तो यानी आप बोल सकते हो कि p0 की वैल्यू आ रही है 1। इसी क्वेश्चन में आपको p1 फाइंड करना है, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। तो रख दो, y की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, -y की जगह 1 रखा, +1 रखा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 + 1 कट गए, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। यानी p1 की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई 1। इसी क्वेश्चन में p2 फाइंड करना है, यानी जहाँ जहाँ y था वहाँ 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -y की जगह रखा 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 + 1, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 2 + 1 = 3 होता है। तो यानी इसके अंदर p2 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 3, ठीक है, इसको नोट करो। हाँ जी, तो इसको नोट कर लो फटाफट से, पॉज करके
ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूँ, फाइंड वही करना है, पी ज़ीरो पी वन और पी टू, वो मिट गया मेरे से गलती से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट है इसका, इस बार आपको दिया हुआ है पी टी, पी टी इक्वल टू है टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और वही हमें पी ज़ीरो फाइंड करना है, पी वन फाइंड करना है और पी टू फाइंड करना है। सबसे पहले निकाला मैंने पी ज़ीरो, मतलब जहाँ जहाँ मुझे टी मिलेगा वहाँ क्या रख दूँगा मैं उठा के, ज़ीरो। तो ये हो गया टू, प्लस टी की जगह रखा ज़ीरो, प्लस टू टी की जगह ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो का क्यूब, तो ये टू है। देखो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर ये ज़ीरो बन जाएगा, तो ओनली आंसर आएगा टू। तो पी ज़ीरो की वैल्यू आपकी आ गई टू, ठीक है। ऐसे अगर मुझे पी वन फाइंड करना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वन रखना है, रख दो उठा के टू, टी है वन रख दिया, टू स्क्वायर यहाँ टी था टी की जगह वन रख दिया, माइनस क्यूब टी है टी की जगह वन रख दिया, तो टू प्लस वन तो थ्री हो गया, प्लस वन का स्क्वायर वन, वन मल्टीप्लाई टू इज़ टू, माइनस वन का क्यूब इज़ वन, थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन फोर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि पी वन की वैल्यू जो होगी वो आएगी फोर, राइट। फिर निकालो पी टू, जहाँ टी है वहाँ टू रखेंगे, तो ये हो जाएगा टू प्लस टी की जगह रखा टू प्लस टू टी की जगह रखा टू, टू का स्क्वायर माइनस टी की जगह रखा टू का क्यूब। देखो टू प्लस टू तो हो गया फोर, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, माइनस टू का क्यूब एट, एट से एट कैंसिल हो गया, आंसर आएगा फोर, यानी पी टू की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, फोर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लो। फिर इसका थर्ड पार्ट लेता हूँ, हाँ जी, थर्ड पार्ट है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मुझे पी ज़ीरो फाइंड करना है, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ ज़ीरो रखो, तो ज़ीरो का क्यूब, ज़ीरो को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो ज़ीरो ही आएगा, इसका मतलब पी ज़ीरो की वैल्यू आ गई आपकी ज़ीरो। उसके बाद मुझे निकालना है पी वन, तो जहाँ एक्स है वहाँ वन रखूँगा, तो वन का क्यूब, आपको पता है वन का क्यूब वन होता है, वन को कितनी बार मल्टीप्लाई करो वन वन ही रहने वाला है, तो पी वन की वैल्यू हो गई आपकी वन। फिर मुझे निकालना है पी टू, पी टू मतलब जहाँ एक्स था वहाँ टू रखा, और उसका क्यूब, टू का क्यूब क्या होता है, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एट, ठीक है, तो पी टू की वैल्यू हो गई एट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे, इसको नोट कर लो, हाँ जी। अब इसका बताता हूँ आपको फोर्थ पार्ट, कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, आपको निकालना है पी ज़ीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ज़ीरो रखो, तो एक्स की जगह ज़ीरो रखा और फिर माइनस वन है, फिर एक्स की जगह ज़ीरो रखा और प्लस वन है, ठीक है। ज़ीरो माइनस वन माइनस का वन होता है, और ज़ीरो प्लस वन प्लस का वन होता है, माइनस वन प्लस वन को मल्टीप्लाई करने पे माइनस वन आएगा, तो पी ज़ीरो की वैल्यू हो गई आपकी माइनस वन। नेक्स्ट निकालना है आपको पी वन, पी वन का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन रखोगे, तो x की जगह 1 रखा और फिर माइनस वन है, x की जगह 1 रखा और फिर प्लस वन है, 1 माइनस वन ज़ीरो होता है और 1 प्लस वन टू होता है, ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, यानी पी वन की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 0। फिर निकालना है मुझे पी टू, ठीक है, पी टू निकालने का मतलब हो गया जहाँ x है वहाँ 2 रखो, तो 2 और उसके माइनस में 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 और 2 प्लस 1 होता है 3, और 1 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपका हो गया पी टू की वैल्यू, ठीक है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जिसमें चेक करना है कि वेदर दी फॉलोइंग आर जीरो पॉलिनोमियल और नॉट, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि जो गिवन वैल्यू है वो उसकी जीरो है या नहीं है। तो फर्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, और आपको एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री दिया हुआ है, तो आपको वेरीफाई करना है कि एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इसका जीरो है या नहीं है। और जीरो को मैंने डेफिनेशन बताई थी, जो जीरो बना दे वो जीरो होता है, तो आपको एक्स की जगह माइनस वन अपॉन थ्री रख के देखना है इसके अंदर, अगर जीरो बन जाता है तो वेल एंड गुड, जीरो है, नहीं बनता है तो नहीं है, ठीक है।
तो आपने रखा x की जगह पे माइनस वन अपॉन थ्री, तो इस x की जगह पे माइनस वन अपॉन थ्री आएगा इज इक्वल टू थ्री, और x की जगह पे आ जाएगा माइनस का वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई में है पूरा, और प्लस का वन, देखो थ्री से थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री कट गया, तो वन मल्टीप्लाई माइनस वन बचा माइनस का वन और प्लस वन जो कि बना जीरो। इसका मतलब p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री पे जीरो बन रही है, इसका मतलब यस इट इज़ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको नोट करो, हाँ जी। सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, ये पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू या 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, जब आएगा जब डिटेल बताऊंगा, अभी इतना ही समझो इसके लिए। और आपको चेक करना है x इक्वल टू 4/5 पे, ठीक है, x इक्वल टू 4/5 पे आपको चेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे, देखते हैं जीरो बनता है नहीं बनता है। तो आपने रखा तो पी 4/5, एक्स की जगह 4/5 आ गया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 4/5, ठीक है, माइनस का पाई, देखो 5 फंजा 5 कट जाएगा, तो ये बचेगा 4 माइनस पाई। क्या 4 माइनस पाई जीरो है, नहीं है पॉसिबल, पाई की वैल्यू वैसे 3.14 चलती रहती है, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब नो इट इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं कि पी एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको दो वैल्यू दे दी, एक्स इक्वल टू वन भी दे दिया और एक्स इक्वल टू माइनस वन दे दिया, मतलब आपको दोनों के लिए चेक करना है। तो पहले एक्स इक्वल टू वन के लिए चेक करते हैं, तो आपने रखा एक्स की जगह पे वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन उसका स्क्वायर और माइनस वन, वन का स्क्वायर होता है वन और माइनस वन, और वन माइनस वन जीरो, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पे जीरो हो रही है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन इज़ जीरोस, एक्स इक्वल टू वन तो जीरो है। अब आपको एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए चेक करना है, तो पी और एक्स की जगह रखा मैंने माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह रखो माइनस का वन और उसका स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और वन का स्क्वायर वन होता है, और फिर माइनस वन है, तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, तो पी माइनस वन की वैल्यू भी क्या निकल के आ रही है जीरो, इसका मतलब इसने भी जीरो बना दिया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन इज ऑल्सो अ ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन भी इसका क्या है जीरो है, ये दोनों वैल्यू इसकी जीरो है, वन भी है माइनस वन भी। आप कैसे चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो जो एक्स स्क्वायर माइनस वन को सोल्व करोगे, ठीक है, ध्यान दो इसको कि जब एक्स स्क्वायर माइनस वन को सोल्व करोगे चेक करने के लिए, इसे जीरो फाइंड करने के लिए इक्वल टू जीरो लगाओगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन दोनों निकल के आती है, और वही हम यहाँ से बता चुके हैं, ठीक है, इसको नोट करो एक बार, हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन तक। उसके बाद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, इसको नोट कर लेना पॉज करके। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपको, इसको फोर्थ पार्ट है इसका कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, और एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू पे आपको चेक करना है, दोनों पे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्स इक्वल टू माइनस वन पे चेक करता हूँ, तो एक्स की जगह माइनस वन रखा तो ये हो गया माइनस वन प्लस वन, एक्स की जगह माइनस वन रखा हो गया। अब देखो माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, और अंदर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस थ्री, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो से जीरो बनने वाला है, इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू माइनस वन इज ज़ीरो, किसका, इस पॉलिनोमियल का। फिर आपको चेक करना है एक्स इक्वल टू टू के ऊपर, जो टू है ना, आपको एक्स इक्वल टू टू पे चेक करना है, पहले हमने एक्स इक्वल टू माइनस वन पे चेक किया है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू मतलब पी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू रखेंगे इसके अंदर, यही है ना, हाँ ठीक है, इक्वल टू एक्स की जगह पे रखा टू प्लस वन, एक्स की जगह रखा टू और माइनस टू, तो टू प्लस वन थ्री और टू माइनस टू जीरो, लो भाई ये भी जीरो बन गया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू भी ज़ीरो है, एक्स इक्वल टू टू इज़ ऑल्सो ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का। चेक भी कर सकते हो, जब आप इसको जीरो रख के सोल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन भी आएगा और एक्स इक्वल टू टू भी आने वाला है, ठीक है, वो खुद करके देखना आपका वर्क है ये,
यानी दोनों क्या हैं, ज़ीरो हो गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ पार्ट लिया इसका, तो पी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इस पे चेक करना है तो रख दो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो पी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर जो कि ज़ीरो होता है, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट करते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और आपको एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पे चेक करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स की जगह उठा के ये रखेंगे। देखो ध्यान से देखना इसको, एक्स की जगह पे इसको रखा तो माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल अपनी जगह पे रहेगा, एक्स की जगह पे आएगा माइनस का एम अपॉन एल प्लस एम। देखो एल वन जा एल, एल वन जा एल, एल से ऐड कर एल कट गया, तो माइनस का एम प्लस का एम, सेम चीज़ें कट जाएगी आपस में, ज़ीरो बनेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, इसका ज़ीरो है। जो ज़ीरो बना दे वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेवन्थ। पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री। इन पर चेक करना है बच्चों को, डर भी इसी से लगता है तुम लोगों को। नहीं, रूट देखा और ऐसा लगता है पता नहीं क्या भूत आ गया हो। नहीं, रूट देखा, अपॉन में देखा, रेशनल नंबर देखा, डेसिमल देखा, भूत लगता है। एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री रखो, माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखो, तो एक्स की जगह पे रखा माइनस का वन अपॉन रूट थ्री, तो ये थ्री हो गया, ये माइनस का वन अपॉन रूट थ्री और उसका स्क्वायर और माइनस वन है। अब ध्यान से देखो इसको, थ्री माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, वन का स्क्वायर वन हो गया और रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री, तो ये ऐसा बन गया ये। ठीक है, और माइनस में वन है, थ्री बन जा थ्री, थ्री बन जा थ्री, तो ये हो गया आपका वन और ये हो गया माइनस का वन और जो कि होता है ज़ीरो। तो यस, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्या है, ये ज़ीरो है। ठीक है, पूरा लिख लेना, यस दिस इज़ ज़ीरो। उसके बाद हमें चेक करना है किसके लिए, टू अपॉन रूट थ्री के लिए। तो एक्स की जगह पे मैंने रखा टू अपॉन रूट थ्री, तो जैसे रखा देखो थ्री है, एक्स की जगह पे रखो टू अपॉन रूट थ्री और करो उसका स्क्वायर और माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और माइनस वन, थ्री बन जा थ्री, थ्री बन जा थ्री, तो ये बच गया फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो नहीं है, कौन ये है और ये नहीं है, इसको नोट करो जल्दी से। फटाफट हो रहे ना क्वेश्चन इस चीज़ के। ठीक है, इस तरीके से आपको कंसेप्ट अगर पूरा समझ गया, लेक्चर वन से पढ़ना, जो भी नया वाला पहली बार कोई इसको पढ़ रहा है तो सजेस्ट यही करूँगा लेक्चर वन से पढ़ना, उससे क्या जल्दी हो जाएगी चीज़ें। और फिर इसका करते हैं एट्थ पार्ट कि पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन और एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू पे आपको चेक करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ एक्स है वहाँ वन अपॉन टू रखा, टू एक्स की जगह वन अपॉन टू रखा प्लस वन, टू वन जा टू, टू वन जा टू, वन प्लस वन इक्वल टू हो रहा है टू जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये नो, इट इज़ नॉट अ ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं आएगा, जो ज़ीरो बना दे वो ज़ीरो, ज़ीरो नहीं बनाए वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज़ याद रखनी है हमें, हमें तो वैल्यू उठा के रखनी है, वैल्यू सही से रखना है, अंडर रूट से डरना नहीं है, स्क्वायर वगैरह दे रखा है जैसा भी हो कुछ नहीं डरना, पाई वाई देख के, राइट। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड ज़ीरो, ज़ीरो फाइंड करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। फर्स्ट कि पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स प्लस फाइव, कैसे फाइंड करते हैं, क्या प्रोसेस है, स्टेप सिंपल सा था, इक्वेशन बना दो और इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दो। तो आप रखोगे पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन बन गई, इसका मतलब आपका जो एक्स प्लस फाइव था इसके इक्वल टू में क्या रखना है आपको, ज़ीरो रखना है, क्लियर है। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो और प्लस फाइव उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस फाइव। अगर किसी को इक्वेशन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो क्लास सेवन्थ के अंदर मैंने इक्वेशन वाला चैप्टर कवर किया है, उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके उसका स्टार्टिंग दो तीन लेक्चर देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का फाइव इज़ ज़ीरो ऑफ
जो भी गिवन पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या है, x इक्वल टू माइनस फाइव। क्लियर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका कि पी एक्स इक्वल टू है x माइनस फाइव, इसका जीरो फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बनाई इक्वल टू जीरो रख के, तो अब x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो होगा, तो x इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव उधर जाएगा, प्लस का फाइव बन जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, फाइव। और चेक भी कर सकते हो, देखो x इक्वल टू माइनस फाइव इसका जीरो है, कैसे, अगर मैं x की जगह माइनस फाइव रख दूँ तो ये माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो बनेगा, जीरो बना रहा है। ऐसे अगर मैं x की जगह फाइव रख दूँ तो फाइव माइनस फाइव जीरो बना रहा है, तो यानी इसका जीरो है। ठीक है, तो चीज़ों को लिंक करना सीखो, ऐसे नहीं कि जीरो फाइंड करना अलग चीज़ है और जीरो वेरीफाई करना अलग चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं इसका फिर थर्ड कि पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, कुछ नहीं करना, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो रख दो, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल है, और जैसे इक्वल टू जीरो लगा क्या बन गए, इक्वेशन, यहाँ से 2x इक्वल टू जीरो प्लस 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में इसका जीरो ये निकल के आ गया। आपको चेक करना है तो x की जगह माइनस 5 अपॉन 2 रख के देखो, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, माइनस 5 आएगा, प्लस 5 आएगा, जीरो बन जाएगा, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट इसका कि पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, तो रख दो इसको, पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो यहाँ से थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो, माइनस टू उधर जाके प्लस का टू बन जाएगा, बात तो एक ही है, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस उधर जाके प्लस टू बना, तो एक्स की वैल्यू हो गई टू, और मल्टीप्लाई में है थ्री, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा हूँ किसी को इक्वेशन सोल्व करने में जरा भी प्रॉब्लम आती है, शर्माने वाली बात नहीं है, सेवन्थ क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करना, वहाँ पे चैप्टर नंबर जो 4 है सिंपल इक्वेशन, वहाँ समझाया हुआ है मैंने, उधर जाके चुपचाप से इक्वेशन देख लेना और अपने आप को मैथ्स अच्छा कर लो भाई, आप लोगों के पास में 7 से 10th का पूरा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको अपना मैथ्स अच्छा करना है सिंपल से, तो वहाँ जाओ, जो भी चैप्टर आपको तब कवर हुए उनमें से आपको किसी में भी प्रॉब्लम है, चाहे रेशनल नंबर में प्रॉब्लम है, चाहे सिंपल इक्वेशन में, छोटी क्लास का भी जाके देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ कि पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, आपको जीरो फाइंड करना है, तो पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थ्री एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो, थ्री मल्टीप्लाई में वो का चला जाएगा डिवाइड में, और जीरो डिवाइड बाई थ्री जीरो ही होता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया इसका जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और साइड में लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, फिर कहेगा पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा वो, इसलिए साथ में लिख के दिया कि ए यहाँ पे जीरो नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो, ए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, और एक्स की वैल्यू जीरो के डिवाइड में कुछ भी कर दो भाई, आना तो जीरो ही है, खाने की चीज़ अगर जीरो है तो ए परसेंट में डिवाइड करना है, सबको जीरो जीरो मिलने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ जी, लास्ट है इसका सेवन्थ क्वेश्चन कि पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, राइट, यहाँ पे सी जीरो नहीं है, बता दिया उसने पहले, सी जीरो नहीं होगी, अगर सी जीरो हो जाएगा तो ओनली डी बचेगा भाई, जैसे सी जीरो हुआ, जीरो मल्टीप्लाई तो जीरो हो गया, और जीरो प्लस डी, जी डी, डी का क्या निकालोगे आप, जीरो, राइट, और साथ में दिया हुआ है कि सी एंड डी आर रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जैसे भी नंबर आप पढ़ते हो, चाहे नेचुरल हो सकता है, वो होल हो सकता है, वो रेशनल नंबर हो सकता है, कैसा भी होगा, ठीक है, लेकिन वो इमेजिनरी नंबर नहीं, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सिंपल चीज़ है कि वो होगा रियल नंबर। इसको कैसे सोल्व करोगे, तो भाई पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है आपको, ठीक है, यानी कि सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो यहाँ से सी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस डी उधर जाके माइनस का डी हो जाएगा, इसका मतलब सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी है, सी मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का डी अपॉन सी। क्लियर है, तो आज की आपकी छोटी सी क्लास में अराउंड 25 से 26 मिनट की क्लास है, और हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, बस आप तो साथ में लगे रहो जो भी वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है,
तो बाकी फिर साइंस का वीडियो भी आ जाएगा, आज न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ साइंस के अंदर में, तो आप उसको भी देखना जाके अच्छे से। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।